रहुई प्रखंड के मैदान में आगामी 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जनप्रतिनिधि अविनाश मुखिया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रखंड में सुख शांति और लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ाना है, साथ ही सनातन धर्म को बढ़ावा देना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन रहुई प्रखंड के जनप्रतिनिधि एवं श्रीधाम वृंदावन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम शुभम जी महाराज के द्वारा किया जाएगा। 27 नवंबर को कलश यात्रा के साथ इस कार्यक्रम का श्री गणेश किया जाएगा। इस कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं के द्वारा माथे पर कलश लेकर इलाके का भ्रमण किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता के मौके पर प्रमुख बाबूलाल राम, उप प्रमुख राकेश रंजन, पैक्स अध्यक्ष मुकेश महतो, समाज सेवी अविनाश मुखिया, उप मुख्य पार्षद अनिल पांडे, वार्ड पार्षद राम लखन प्रसाद, अजय यादव, अनिल सिंह, छोटे यादव, पंचायत समिति सदस्य दिलीप चंद लल्लू सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रहुई प्रखंड स्तरीय भागवत कथा का कार्यक्रम रहुई प्रखंड के ब्लॉक मैदान में कार्यक्रम है। 27 नवंबर को सुबह 7 बजे कलश यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि रहुई प्रखंड रहुई थाना के सामने मंदिर से कलश उठा के माता एवं बहनों द्वारा पूरा रहुई बाजार भ्रमण करके फिर वापस यहीं आएंगे। फिर 28 नवंबर संध्या 5 बजे से भागवत कथा का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि श्री श्याम शुभम जी महाराज जी के द्वारा कथावाचक हैं, वृंदावन से चलकर रहुई की धरती पर आ रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम पर? कार्यक्रम का उद्देश्य है हमारा प्रखंड में अमन चैन शांति हो, भगवान से हम लोग यही प्रार्थना करेंगे। भागवत कथा कराने का यही हम लोग का पर्पस है कि हमारे प्रखंड में अमन चैन शांति।